जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे लड्डू गोपाल ड्रेसेस में। आज की वीडियो में हम ये डबल साइड ड्रेस बनाना सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें चोली लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अटैच करने में, तो आज मैंने ये ड्रेस बनाई है। इसमें बहुत ही आसानी से आप चोली अटैच कर सकते हैं और पूरे घेरे वाली ड्रेस बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसके अंदर ये लगाए हैं तो इससे और भी ग्रेस आ गई है। ये टू पीस इस तरह से है। मैंने इसमें दो पैटर्न बनाए हैं, एक में मैंने ये फ्रिल बनाकर इसे अटैच किया है और एक में ये मैंने पट्टी बनाकर यहाँ पर अटैच किया है। तो आज हम ये पैटर्न बनाना सीखेंगे। आपको बता दूंगी कि फ्रिल भी किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मटेरियल बता देती हूँ और साथ ही साथ मेजरमेंट भी बता देती हूँ। आज हम ये दो नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके लिए ये दो स्ट्रिप्स कट करी है। ये मैंने वाइट कलर में ली है, आप कोई भी कलर में ले सकते हैं। ये स्ट्रिप्स जो मैंने करी है ढाई बाय, ये देखिए ढाई बाय 10 इंचेस। ये दोनों स्ट्रिप मैंने बिल्कुल बराबर की कट की है, जो एक ये फ्रंट का पीस बनेगा और ये बैक का पीस, इसे बटरफ्लाई ड्रेस भी बोल सकते हैं आप। और उसके बाद ये मैंने चोली के लिए दो स्ट्रिप कट करी है। दो नंबर की ड्रेस है तो दो नंबर की ड्रेस के लिए हमें चाहिए होती है 4 इसकी लेंथ और 3 इसकी विड्थ। 3 हमें टोटल चाहिए होती है, तो मैंने ये एक स्ट्रिप ली है और उसे बीच से कट कर दिया। ये देखिए, तो ये 1.5 बाय 1.5 की हो गई, 1.5 1.5 एंड 4 इसकी लेंथ। और मैंने ये रेड पाइपिंग ली है बनाने के लिए, ये पट्टी रेड कपड़ा ये मैंने लिया है 1.5 इंचेस का। 1.5 इंच की मैंने दो स्ट्रिप कट करी है, एक तो 10 बाय 10 की ये दो स्ट्रिप्स और एक मैंने यहाँ पर इस डोरी के लिए वो मैंने 20 इंच की टोटल कट करी है, जो हम यहाँ पर अटैच करेंगे और ये साइड्स में इसके लूपिया लगाएंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, और एक मैंने ये रेड कलर की कॉटन पाइपिंग ली है, रेड कलर इससे मैच करता हुआ। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए ये देखिए, हमने 2 पीस लिए थे 2.5 बाय 10 के, उससे हम सबसे पहले ये स्ट्रिप लेंगे और यहाँ पर इसे इसका ये फ्रंट पेयर फ्रंट इसे इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेंगे, बिल्कुल इसके कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्टिच लगा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि ये यहाँ से बैठ जाए। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये स्टिच लगा लिया है और यहाँ पर से ये बिल्कुल बैठ गई है। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप को पकड़ना है, ये देखिए ऊपर वाली साइड से, और इसे हल्का हल्का सा यहाँ से फोल्ड करके यहाँ स्टिच लगाना है, इस तरह से हल्का हल्का फोल्ड करके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है। अब हम दोनों साइड में, दोनों स्ट्रिप के दोनों साइड में ये रेड पाइपिंग लगा लेंगे, ये जो हमने कॉटन की पाइपिंग ली थी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों घेरे की स्ट्रिप्स तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स हमें जैसे हम ड्रेस में डालते हैं उसी तरह से डालनी है, ना ही ज्यादा बारीक और ना ही ज्यादा खुली। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये घेरा तैयार है, इस साइज का भी इस साइज का भी, मतलब दोनों पीस का। अब हम क्या करेंगे, हम चोली पे पाइपिंग लगाएंगे। सबसे पहले आप ऐसे करिए कि चोली यहाँ पर नाप लीजिए, अगर हल्की सी थोड़ी बड़ी छोटी हो तो आप उसे कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक पीस हमने नाप लिया, ये हमारा दूसरा पीस, ये बिल्कुल बराबर आ रही है। तो हम इसे यहाँ पर पाइपिंग लगा लेंगे दोनों साइड्स में, अगर थोड़ी सी कम ज्यादा हो तो आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चोली के पार्ट्स भी तैयार है। अब हम इसे किस तरह से अटैच करेंगे, इसका जो उल्टा साइड है उसे यहाँ पर रखना है ऊपर की साइड, और इसका ये फ्रंट साइड, मतलब दोनों फ्रंट साइड को एक साथ रखना है ऐसे, और यहाँ पर स्टिच लगाना है एक होने के बाद पूरी, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी का स्टिच लगाएंगे इस तरह से, पूरी पे ये स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड तो स्टिच लगा लिया है इसे इस तरह से रखकर। अब हम दूसरे पीस को लेंगे और यहाँ पर इसे उसी तरह से अटैच कर लेंगे। पहले यहाँ पर 1 पीस रखा और उसके बाद ये इसका सेकंड पीस इस तरह से।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे दोनों साइड से अटैच कर लिया है। अब हमारे यहाँ लास्ट काम है जो हम इस पाइपिंग की हेल्प से, सॉरी स्ट्रिप की हेल्प से करेंगे। इसे हमें पाइपिंग का रूप देना है किस तरह से। ये देखिए, वन फोल्ड, सेकंड फोल्ड और ये इसका लास्ट फोल्ड। ये देखिए, इतनी पतली स्ट्रिप बनानी है आपको। ये किस तरह से, वन फोल्ड, सेकंड फोल्ड एंड ये लास्ट फोल्ड। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर पूरी पे हम स्टिच लगा लेंगे। ये जो हमने स्ट्रिप ली थी वो हमने 20 बाय 1.5 इंच की ली थी, 1.5 बाय 20 इंच, जिसके हम ये पाइपिंग बना रहे हैं जो हम इसके डोरी के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर इसमें अभी साइड्स में लूपी भी आएगी। अब ये देखिए, हमने ये स्ट्रिप तैयार कर लिया है। अब हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, कट कर लेंगे। यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में कट करने के बाद हम इसमें लूपी लगाएंगे। लूपी के लिए हमें ये बिल्कुल छोटा सा पीस चाहिए। हम इसमें 4 लूपी बनाएंगे जो चारों यहाँ पर साइड्स में लगेगी, दोनों स्ट्रिप के दोनों साइड्स में। एक ये पीस लिया हो उसे देखिए स्क्वायर शेप का ले लीजिए, इस तरह से करके ये पीस आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को इसके बीच में रखना है और यहाँ पर एक स्टिच लगाना है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने स्ट्रिप लगा लिया है। आप चाहे तो इसे डबल कपड़ा लेकर भी बना सकते हैं और इसे इस तरह से हम सीधी कर लेंगे। ये देखिए, लूपी तैयार है हमारी। इसी तरह से हम ये 3 साइड्स जो हमारी बची है वहां पर भी लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्ट्रिप्स पे ये लूपियां लगा ली है। एक पे मैंने थोड़ी छोटी लगाई है और एक पे ये थोड़ी बड़ी। आप चाहे तो इससे बड़ी चाहते हैं तो बड़ी लगा लीजिए और छोटी चाहते हैं तो छोटी लगा लीजिए। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा स्क्वायर पीस की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा लास्ट काम है इसका सेंटर पॉइंट लेंगे इस स्ट्रिप का, उसे यहाँ से पकड़ेंगे सेंटर पॉइंट से। और ये देखिए, हमारा ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है चोली का, जो उसे यहाँ पर रखकर इसे इस तरह से टाई अप कर लेंगे। टाई अप करने से पहले आप यहाँ पर स्टिच लगा लीजिए इतना इतना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि हमें ये ड्रेस किस तरह से पहनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इन्हें, ये देखिए ये बीच का जो ओपन पार्ट है, उनके यहाँ पर गले में से लेके आना है। और एक पार्ट को ये देखिए यहाँ से हैंड इनका निकाल दीजिए और यहाँ से भी इनका हैंड निकाल दीजिए बाहर और यहाँ पर इसे टाई अप कर दीजिए दोनों साइड से। अगर आप लूपी को मतलब यहाँ पर जो ये स्ट्रिप है इसे बांधेंगे नहीं तो ये थोड़ी इधर उधर सरकेगी, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप इस तरह से ये दोनों यहाँ पर अटैच कर लीजिए और बांध दीजिए यहाँ से। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, हमें यहाँ से बांधनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दोनों साइड में नोट बांध दी और ये कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। बहुत ही इजी वे बताया है, आप अपने घर पर इसे जरूर ट्राई करिएगा। और लास्ट में गाइज, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि हमें ये फ्रिल कैसे बनानी है। फ्रिल के लिए ये देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है। आप ज्यादा चौड़ी स्ट्रिप चाहते हैं, ज्यादा चौड़ी फ्रिल, तो आप थोड़ी ज्यादा काट लीजिए। अगर कम चाहते हैं तो आप थोड़ी पतली काट लीजिए। ये मैंने 1.5 इंच की काटी है स्ट्रिप। और इसे देखिए हमें किस तरह से करना है, वन फोल्ड, उसके बाद हम यहाँ ड्रेस पे रखेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके पहले इस तरह से प्लेट्स बिल्कुल मतलब दूर दूर डालनी है ये प्लेट्स, इस तरह से ये प्लेट्स डालेंगे और यहाँ पर आप ड्रेस पे अटैच कर लीजिए नीचे की तरफ किनारे पे। ये देखिए, पहले इसे डबल फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, उसके बाद आपको इस तरह से जैसे हम पंखी बनाया करते थे ना बचपन में, उसी तरह से इस तरह से यहाँ स्टिच लगा के उसके बाद उसे अटैच कर लीजिए। अब आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये ड्रेस अपने घर पर जरूर बनाइएगा कि आपके कान्हा जी भी खुश हो जाएंगे।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का भी बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ नई आइटम्स को लेकर। जय श्री कृष्ण।